नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। आज हम आपके सामने कक्षा 9 विज्ञान के उप विषय भौतिक विज्ञान का अध्याय 8 रिवीजन में लेकर आए हैं। आप आशा करते हैं कि ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। यह हमारा अध्याय है बेटा, अध्याय 8, जिसका नाम है हमारा गति। अब सबसे पहले, जैसा हमारे अध्याय का नाम है गति, तो गति है क्या? आप सब जानते हो कि गति हम किसे कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए सर्वप्रथम कि गति क्या है। गति क्या है? कोई भी जहां है अपनी प्रारंभिक अवस्था में, उसकी उस अवस्था से जो विचलन हो जाता है, यानी अपनी अवस्था से हटना ही गति कहलाता है। या हम कह सकते हैं क्या कि अवस्था परिवर्तन को, अवस्था परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है? गति कहलाता है। या स्थिति परिवर्तन कह सकते हैं हम, जहां हम हैं वहां से अगर हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है तो क्या है हमारा? गति है। सबसे पहली चीज बेटा, हमें पता होना चाहिए कि गति है क्या। तो गति क्या है कि अवस्था या स्थिति परिवर्तन हमारा गति कहलाता है। अब गति से हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले हम गति के लिए लाते हैं कि एक समान गति या असमान गति। क्या लाते हैं बेटा? एक समान गति। इससे पहले भी बात करें बेटा हम, तो इससे पहले हम लिख सकते हैं कौन सी गति हो सकती है हमारी। हम अगर इस तरह से बनाएं, ये रही हमारी गति। गति को अगर बेटा हम तोड़ना चाहें इस तरह से, एक सो तो हो सकती है हमारी सरल रेखीय गति। इसके बाद बेटा, ये तो सरल रेखा रेखीय हो गई। एक होती हो सकती है बेटा हमारी, अब यहां पे भी बेटा हम इसे ले सकते हैं, एक हो सकती है हमारी वृत्तीय गति। गति तो बेटा दो रूप में, हमने पहले ये थोड़ा, एक सरल रेखीय गति हो सकती है बेटा। सरल रेखीय गति भी हमारी दो प्रकार से हो सकती है, ये एक तो एक समान गति और दूसरी हो सकती है बेटा हमारी असमान गति। गति अब बेटा अगर मैं यहां इन दो रूपों में लेके चले इससे आगे, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि गति, गति क्या है हमारा? ये आपको पता है कि स्थिति या अवस्था परिवर्तन है। अब ये गति बेटा हमारी इन दो रूपों में जो हो सकती है, या तो सरल रेखा में हो रही होगी या फिर वृत्तीय गति हो रही होगी। सरल रेखीय गति बेटा हमारी ये दो रूपों में हो सकती है, एक तो एक समान गति और एक असमान गति। अब यहां से देखते हैं बेटा हम, एक समान गति क्या है हमारी? अगर कोई कण या कोई पिंड समान समय में, किसमें? यानी एक निश्चित समय दिया है टाइम, समान समय में समान दूरी तय करें, किसमें बेटा? ये कब होगी हमारी? जब समान समय में, कैसी हो? समान दूरी तय करे। असमान बेटा ये हो सकती है हमारी भिन्न भिन्न समयों में, भिन्न भिन्न दूरी तय करे। जैसे हमें दिया है, कोई हमसे कह दे कि 1 सेकंड में, या हमसे बात करें इसकी, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो क्या कह सकते हैं हम कि अगर कोई 2 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, यानी पहले 2 मिनट में कितना गया वो? 1 किलोमीटर गया। कितने मीटर? 2 मिनट में। आगे हम फिर कहते हैं कि अगले 2 मिनट में फिर 1 किलोमीटर गया, या हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में जा रहा है कितना वो? 2 किलोमीटर। तो बेटा हमारा एक्यूरेट चल रहा है कि नहीं? 2 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर रहा है, 4 मिनट में 2 किलोमीटर हो गया। 2 कितना?
2 किलोमीटर। तो बेटा इस प्रकार की जो गति है हमारी कैसी होती है? एक समान गति। हम भिन्न भिन्न समयों की, अब हम बात कर रहे हैं असमान गति की। भिन्न भिन्न समय, जैसे मान लो कि 2 मिनट में तो गया वो 1 किलोमीटर, आगे हमने ले लिया कि 4 मिनट, पता इसमें चला हमारे पास कितना, 1.5 किलोमीटर। यानी कि समय तो हमने 2 मिनट बढ़े, लेकिन उधर हमारे किलोमीटर कितना बढ़ा, आधा बढ़ा। तो ये क्या हो गया हमारा, यानी भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरी तय हुई। तो ये हो गई बेटा हमारी असमान गति। अब इसका अगला पार्ट बचता है हमारा, कौन सा, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है कि जब कोई कण, ये रहा हमारे वृत्ताकार शेप रही, अगर वृत्त की परिधि पर गति करे, कहाँ इस परिधि पर अगर ये मूवमेंट कर रहा है, तब इसकी जो गति है वो क्या कहलाती है बेटा, हमारी वृत्तीय गति। यानी या हम कह सकते हैं कि एक बिंदु को केंद्र मानकर, अगर किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक निश्चित पथ पर गति करता है, तो वो गति क्या कहलाती है बेटा, हमारी वृत्तीय गति। इसके बाद बेटा हमारी गति को और भी रूप हो सकते हैं। एक होती है बेटा हमारी जिग जैग मोशन। कौन सी? जिग जैग मोशन, जैसे बोलते हैं बेटा हम आड़ी तिरछी गति, आड़ी तिरछी, ऐसे क्या बोलते हैं बेटा हम जिग जैग मोशन। तो ये क्या होती है हमारी, अगर कोई कण चला, पहले इधर चला, इधर चला, इधर चला गया, इधर चला, फिर ऐसा घूम लिया, कहीं गया, तो बेटा ये एक निश्चित पथ पर भी नहीं है, निश्चित दिशा में भी नहीं है, ऐसी गति क्या कहलाती है बेटा, हमारी आड़ी तिरछी गति है, जिग जैग मोशन। इसके बेटा एक एक तो हमारे रूप एरिया गति का, एक रूप बेटा हमारा हो सकता है, उसे कहते हैं हम, अगर ऐसा हम और चेंज करें, एक आती है बेटा हमारी सरल आवर्ती गति, सरल आवर्ती गति। ये क्या है बेटा, अगर कोई कण एक निश्चित बिंदु को हमने केंद्र माना, अब इसके इधर उधर गति करें, इधर आए या इधर जाए, यानी इधर की गति कर रहा है ये, या फिर इधर जा रहा है, यानी कोई कण अपनी जो साम्य स्थिति है, इस पोजीशन को बोलेंगे बेटा उसकी साम्य अवस्था, अगर साम्य अवस्था के इधर उधर गति करे, तो ऐसी गति हमारी क्या कहलाती है, सरलावर्ती गति। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि घड़ी का पेंडुलम, आपने देखे वो बेटा दीवार घड़ी होती है, उस दीवार घड़ी पर एक नीचे की तरफ कुछ जो बड़ी घड़ियां होती है उसमें बेटा एक इस तरह से पेंडुलम लटका रहता है, जो इस तरह से हिलता रहता है सेकंड के साथ। तो इस तरह की जो गति है उसकी, इधर इधर जाने वाली गति, वो क्या कहलाएगी बेटा, हमारी सरल आवर्त गति। तो हमने बेटा यहाँ से क्या देखा, सबसे पहले हम लेके चले गति, गति टूटी बेटा हमारी 1 2 3 4 हिस्सों में टूट गई, ये भी सरल रेखीय गति बेटा हमारी 2 हिस्सों में टूटी, एक समान असमान। आपने देखा फिर आई वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है, जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर गति करे तो वो क्या कहलाती है, उसकी वृत्तीय गति। फिर आई बेटा आड़ी तिरछी गति, जैसे कहते हैं हम जिग जैग मोशन। जिग जैग मोशन क्या है, जब कोई सीधा ना चल के आड़ा टेढ़ा चल रहा है, उसकी गति होगी हमारी जिग जैग मोशन। फिर आती है हमारी सरल आवर्त गति, इसे बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी अगर कोई कण अपनी साम्य अवस्था में, ये बेटा इसकी कौन सी होगी, साम्य स्थिति होगी, जो यहाँ पे है बीचों बीच में, इस स्थिति के इधर या उधर जब गति करता है तो ये कहलाती है बेटा इसकी हमारी सरल आवर्त गति। अब बेटा इसके बाद आपने देखा गति को हम निकालते किससे, तो उसके लिए बेटा हमारे पास फार्मूला होते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। या अब यहां भी बेटा हमारे पास दो आएंगे, क्या पढ़ा है आपने कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब बेटा हमारे पास जो दूरी है, अगर हम उसे निकालें तो दूरी क्या हो जाएगी हमारी, दूरी हो जाएगी बेटा यहां से हमारी चाल गुणा समय। अब इससे आगे अगर बेटा अगर बात करें, तो इसके बाद आता है हमारे पास कि वेग।
वेग क्या है बेटा हमारा? तो हमें वेग से पहला पता होना चाहिए विस्थापन। अब बेटा विस्थापन से पहले हम यहां शब्द यूज कर चुके हैं दूरी, इसलिए हमें दूरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूरी क्या है बेटा? हमने यहां से चलना शुरू किया, मान लो यहां से लेकर हम यहां तक चल के आ गए, तो ये जो बेटा जो पथ है जो हमने तय किया वो क्या कहलाएगा? हमारी दूरी कहलाएगा। और विस्थापन क्या होगा बेटा? यानी ये फर्स्ट बिंदु हो गया इसका, ये इसका लास्ट बिंदु हो गया। फर्स्ट बिंदु से लेकर और लास्ट बिंदु तक के बीच में न्यूनतम दूरी है, यानी मिनिमम डिस्टेंस। अगर हम न्यूनतम बात करें तो बेटा सीधी लाइन लेंगे हम, तो जो एयर डिस्टेंस हो गई इनके बीच की मिनिमम, तो वो क्या कहलाएगी बेटा? हमारे पास विस्थापन। अब इसके बाद आता है बेटा हमारा वेग। तो बेटा वेग क्या होता है हमारा? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे बटे समय। इन जैसे बेटा आपने पढ़ा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर क्या होगा बेटा हमारा? विस्थापन बटे समय। दूरी भी किसी एक पथ पर हमने चली गई, जो हमारे द्वारा जो हम किसी एक निश्चित पथ पर चलते हैं वो क्या है? दूरी है। और पहले बिंदु से और अंतिम बिंदु तक, यानी हमने यहां से चलना शुरू किया और अंतिम बिंदु पर जहां रुके वहां तक की जो एयर डिस्टेंस है हमारी, वो क्या कहलाएगा बेटा? हमारा विस्थापन। अगर हम कहीं से चलते हैं, मान लो हमने यहां से चलना शुरू किया, हम गए इधर उधर सब में घूमे और लास्ट में आकर इसी बिंदु पर आ गए, तो हमारा प्रारंभिक बिंदु भी यही है बेटा और एंड बिंदु भी यही है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? हमारे विज्ञान की नजर, विज्ञान का कहता है कि तब विस्थापन कितना होगा? शून्य। यानी आप कितना भी कहो, आप घर से चले और चलने के बाद सपोज करो कि आज आपने घर से चलना प्रारंभ किया, सुबह पैदल चले आप, और चलने के बाद आप 10 किलोमीटर घूमे और जहां से चले थे वहीं पे आप आके बैठ गए, तो अगर विज्ञान की नजर में पूछा जाए कि आपका विस्थापन कितना है, तो विज्ञान बोलेगा कि आपका विस्थापन शून्य है, क्योंकि आप जहां थे वहीं आ गए लौट के, तो आपको विस्थापन शून्य हो गया। लेकिन अगर कोई पूछा भाई दूरी कितनी चली, तो आप क्योंकि 10 किलोमीटर चल के आए हैं, तो जो वो मार्ग तय किया आपने 10 किलोमीटर, वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारा इसके साथ में दूरी। अब हम आगे देखते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं इसमें त्वरण। हमारे पास त्वरण है क्या बेटा? इसे बोलते हैं हम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है, जैसे आप जानते हो, अगर हम सीधी भाषा में बोले तो एक्सीलरेशन को बोल सकते हैं हम एक्सीलेटर। एक्सीलेटर है क्या? एक्सीलेटर बेटा आपने देखा है, हमने गाड़ियां चलाई हैं या बाइक चलाई है, तो वहां देखते हैं कि हम जो रेस बोलते हैं, जैसे उसे बोलते हैं हम एक्सीलेटर, उसे हम खींचते हैं तो उसका वेग बढ़ता है, और जब उसे छोड़ते हैं तो उसका वेग कम हो जाता है। यानी जो वेग के बढ़ने और घटने में जो अंतर आया उस समय के दौरान, वो क्या कहलाएगा? हमारा त्वरण। त्वरण क्या है बेटा? वेग में परिवर्तन की माप। त्वरण क्या है बेटा? कि वेग परिवर्तन की बेटा ये क्या है? दर है। इन जो वेग में परिवर्तन हो रहा है बेटा, मान लो हमने चलना शुरू किया, प्रारंभिक वेग को लेते हैं हम यू से और अंतिम वेग को लेते हैं बेटा हम बी से, तो अंतिम वेग यानी जो ज्यादा वाला वेग है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग को अगर हम समय से भाग दे दिए हमने, तो ये बन जाता है बेटा हमारा त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? कि वेग में परिवर्तन। परिवर्तन हो गया बेटा, बी में से यू घटा या यू में से बी घट रहा है, कोई भी घटने वाला वेग है, तो बेटा ये क्या हुआ? परिवर्तन। और जब समय से किसी को भाग दे देते हैं तो वो बन जाती है दर। तो क्या हुआ? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या है बेटा? कि जो हमारा वेग बढ़ा या कम हुआ और जितने समय में हुआ, उसे समय से अगर हम भाग दे दें तो क्या बन जाएगा? हमारा त्वरण बन जाएगा बेटा। इसका अब मात्रक की बात करें तो वेग है ऊपर, वेग का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर प्रति सेकंड। समय का मात्रक बेटा सेकंड। अब ये सेकंड जब नीचे गिरेगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये बन गया हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है बेटा? त्वरण का हमारा मात्रक है। इसके बाद अगर बेटा हम बात करें, गति के समीकरण आते हैं हमारे इस अध्याय में, लेकिन बेटा वो समीकरण हमारे सिलेबस से कटे हुए हैं। वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए कि गति कितने होती है, कि गति के
तीन समीकरण होती हैं, तीन समीकरण होते हैं बेटा। पहला समीकरण ये है हमारे पास, बी बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा होता है बेटा हमारे पास एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो समीकरण होता है बेटा वो कहता है हमारा कि बी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। अब बेटा ये समीकरण हमारे लागू कब होते हैं, जब गति कैसी हो रही हो हमारी, आमने सामने की, यानी हम आगे जा रहे हो या पीछे आ रहे हो। अगर यही गति हमारी हो जाए बेटा ऊपर नीचे, कैसी गति हो जाए, ऊपर या नीचे की, तब क्या होता है बेटा, तब एक ही जगह हो जाता है हमारा, ए बराबर हो जाता है जी। क्या हो जाएगा, ए बराबर जी। और बेटा जो हमारे पास एस है, यहां दूरी है और वहां हो जाती है बेटा ये हाइट, यहां बोलेंगे त्वरण और यहां बोलेंगे हम गुरुत्वीय त्वरण, यहां बोलेंगे दूरी, यहां बोलेंगे ऊंचाई। तब बेटा इन समीकरणों का रूप क्या बदल जाता है हमारा, तो हम देखते हैं। तो पहला समीकरण हो जाता है हमारे पास, जो फर्स्ट समीकरण है वो हो जाएगा बी बराबर यू प्लस जी टी। दूसरा समीकरण हो जाएगा बेटा हमारा, एस की जगह हो जाएगा एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण हो जाएगा बेटा फिर हमारा कि बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। यानी बेटा ये समीकरण हमारे इस रूप में बदल जाएंगे। अब यहाँ बेटा ए और जी के मान पर हमें ध्यान रखना होता है। अगर वस्तु ऊपर जा रही है, कैसी जा रही है, ऊपर जा रही है, तो जी का मान किस में लगेगा बेटा हमारा, माइनस में। अगर वस्तु नीचे गिर रही है तो बेटा जो जी का मान है वो हमारा किस में लगेगा, प्लस में लगेगा। हम ऐसे ही यहां बात करें, अगर वेग बढ़ रहा है उसका कैसा हो रहा है बेटा, अगर वेग बढ़ रहा है तो बेटा जो त्वरण है वो हमारा किस में लगेगा, प्लस में। अगर वेग हमारा घट रहा है तो बेटा त्वरण किस में लगेगा, हमारा माइनस में। तो बेटा इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गति के समीकरण हमारे सिलेबस से इस बार बाहर है, इसलिए। लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि गति के समीकरण होते क्या है, इसलिए इनके बारे में संक्षेप में आपको कुछ बताया है। इसके बाद देखेंगे बेटा हम, अब बच्चों में इस अध्याय के अभ्यास के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखें, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। यानी बेटा एक हमें वृत्तीय मार्ग दिया है, इस तरह से बेटा एक मार्ग दिया हमें जो कैसा है हमारा, वृत्ताकार शेप में है। इसमें बेटा एक एथलीट चलना प्रारंभ करता है, जो इसका चक्कर लगाने में कितने, जिसका व्यास दिया है हमें बेटा, तो व्यास आप जानते हो त्रिज्या का दोगुना हो गया, कितने दिया है बेटा 200 मीटर, तो त्रिज्या कितनी रहेगी इसकी, 100 मीटर। अब इसमें एक एथलीट चक्कर लगाता है कितने, 40 सेकंड में। यानी ये मान लो हमने सपोज करा यहां से चलना शुरू किया उसने, और ये चल के यहां से चलता हुआ, और ये पूरा राउंड इसने कितने में लगाया, 40 सेकंड में। तो हम यहां से बेटा कुछ मान लिख लेंगे कि व्यास हमें कितना दिया है, 200 मीटर। तो बेटा त्रिज्या कितनी हो गई हमारी, तो त्रिज्या हो गई व्यास की आधी होती है, व्यास बटे दो, बेटा 200 बटे दो, यानी कि ये हो गई हमारी 100 मीटर। अब एक चक्कर में कितना समय लग रहा है, एक चक्कर में, या हम बेटा इधर से बढ़े अगर उल्टा लिख लें उसे, चलो लिख लेते हैं, एक चक्कर में समय, एक चक्कर में समय लगा रहा है बेटा वो कितना, 40 सेकंड। यानी एक चक्कर लगाने में उसने 40 सेकंड का समय लिया। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। बेटा एक चक्कर में समय इतना लग गया, तो हम इसे अगर उल्टा लिखें तो हम कह सकते हैं कि 40 सेकंड में
कितना चक्कर लगाया उसने? चक्कर लगाया एक। बेटा 1 सेकंड में कितना लगाएगा? 1/40। हमारे पास कुल समय दिया उसने 2 मिनट 20 सेकंड। तो बेटा 2 मिनट और 20 सेकंड, तो 2 मिनट का हो गया 60 दूनी 120, और 20 140, यानी क्या लिख सकते हैं हम, 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? 1/40 × 140। 0 से बेटा 0 कट गया हमारा। अगर हम काटें 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, यानी बेटा वो कितना चक्कर लगाएगा? 7/2, यानी 3.5, यानी वो 3.5 चक्कर लगाएगा। 3.5 चक्कर का मतलब 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, और फिर बेटा कहाँ, आधे चक्कर पे यहाँ रुक जाएगा वो, जाके कहाँ रुकेगा, यहाँ रुक जाएगा एथलीट। कितना चक्कर लगाया उसने? 3.5 चक्कर। तो 3.5 चक्कर के बाद पूछ रहा है, तो सबसे पहले वह कितनी दूरी तय करेगा? अब बेटा दूरी जो निकालेंगे हम भाई, तो हम एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी बेटा? दूरी होगी हमारी बराबर होगी परिधि के, क्योंकि वो परिधि पर चल रहा है, तो परिधि होती है बेटा हमारी 2 पाई आर, 2 × 22/7 × r दे रखिए 100। बेटा कितना चला ये? 4400/7 मीटर एक चक्कर में। हमारे पास बेटा लगाता कितने हैं वो? 7/2 चक्कर, इसलिए 7/2 चक्कर में दूरी कितना चलेगा वो? 4400/7 × 7/2। 7 से बेटा 7 कट गया, 2 से काटा, यानी 2200 मीटर की दूरी वो तय करेगा। एक आंसर हो गया हमारे पास यहाँ से। दूसरी पूछ रहा है उसका विस्थापन कितना होगा? आप जानते हो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जो हमें दोनों बिंदु दे रखे हैं बेटा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभ उसने यहां से किया था, अंत वो यहां कर रहा है, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी बेटा? इसके व्यास के बराबर होगी। तो विस्थापन कितना होगा? विस्थापन होगा बेटा व्यास के बराबर, और व्यास कितना है? दिया है हमें 200 मीटर आंसर। अब बेटा इसके साथ आज की हम वीडियो अपनी समाप्त करते हैं। इससे आगे का अंश लेकर हम अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।